हेलो बच्चों, सबको पता है कि अपना जो मतलब शुरू से ही बच्चे जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि अपना ये जो अशोक वाला चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री में, ठीक है, लेसन 7, तो उसका हम एक बार और जो अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि आपने इसमें और क्या क्या चीज समझी थी। सम्राट अशोक के बारे में तुमने पढ़ा ही था और शुरुआत में आपने उसमें पढ़ा था अशोक स्तंभ के बारे में, चार शेर जो एक दूसरे से पीठ टिकाए हुए हैं और कहीं से भी देखो उनको तो तीन दिखते हैं। तो सारनाथ का ये अशोक स्तंभ जो इसको अपन ने अपनी भारत सरकार ने इसे एक प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। वैसे तो अशोक ने बहुत सारे जो है स्तंभ बनवाए थे और ये जो चैप्टर है ये अशोक का है, मौर्य वंश के शासक जिसके पिता और दादा ने जो है जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उनके पास उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र जो था वो अशोक था। तो अशोक ने जो है शुरुआत में अपने राज्याभिषेक होने के बाद बहुत सारे युद्ध लड़े और एक युद्ध के बाद फिर में जो परिवर्तन आया वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो अशोक स्तंभ है उसका अपने अपने करेंसी जो नोट है सिक्के है उनमें चित्र देखा होगा कि चार शेर जो है वो नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये जो है अशोक स्तंभ सारनाथ में अशोक के द्वारा बनवाया हुआ कि वो स्तंभ लेख में शिला लेखों में अपने आदेश जो है वो करवाए पढ़ते थे। वंश का नाम आया इसमें, वंश मतलब एक ही परिवार के जो सदस्य थे एक के बारे उनके जो है राजा के बनते हो राजा ऑफिस का उसका बेटा या उसका भाई या उसका बेटे का बेटा इस तरह से एक के बारे एक ही वंश में लोग जो है राजा बनते चाहते हैं, उसको कहते हैं वंश परंपरा या वंशानुगत। फिर नजराना मैंने आपको बताया था राजा को यहाँ तो कर दिया ही नहीं देने पड़ता था, सबको कर जो है नियमित होता था, किंतु नजराना जो है कि भेंट कहलाती थी जो भेंट स्वरूप जो राजा को दिया जाता था। फिर जो संस्थापक थे मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में एक जो राजदूत था मेगास्थनीस, ठीक है, मेगास्थनीस जो है वो यूनान के राजा थे सेलेकस, उसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में था। इसकी एक पुस्तक आती है इंडिका, इसमें इसने वहां के साम्राज्य के बारे में लिखा है, राजधानी के बारे में बताया है, उस राजा के बताया है, मतलब ये आकर के यहाँ पे सारा कई सालों तक रहते थे और कई उन्होंने तो कई शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन भी किया है, कई बड़े बड़े जो उस समय विश्वविद्यालय थे उनमें उन्होंने अध्ययन भी किया। तो इस तरह के जो आया करते थे कहीं यात्री बन करके, ठीक है, कहीं किसी पद के रूप में, तो इन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा उसका वर्णन इन्होंने अपने किताब में लिखा। तो ऐसे ही मेगास्थनीस ने सम्राट के बारे में अपने इंडिका पुस्तक में जो वर्णन किया कि सम्राट जब जनता के सामने आता था, ठीक है, सम्राट जो है जब बीच जो सड़क होती है जो मुख्य मार्ग होता है वहां से जब इसकी पूरी शोभा यात्रा निकलती थी तो एक जश्न का माहौल जो है वहां पे होता था, जनता के सामने एक शोभा यात्रा निकलती थी, जश्न का माहौल होता था, चारों तरफ राजा के स्वागत में लोग खड़े रहते थे, ठीक है, और उस समय जो उसकी पालकी होती थी सोने की पालकी, ऊपर इसके छत्र भी होता था और इसके जो अंगरक्षक होते थे वो इसके साथ साथ चला करते थे और अंगरक्षक साथ में कुछ पेड़ भी लिए होते थे, इस पेड़ में तोते ट्रेनिंग वाले जिसको कहते प्रशिक्षण वाले तोते वो भी हुआ करते थे, महिलाएं हथियार लेकर के जो है चलती थी, राजा को सब लोग जो है वो सुरक्षा के लिए घेरे रहते थे। क्यों? क्योंकि राजा को देखिए उस समय कहीं ना कहीं डर होता था, कहीं अपने ही परिवार से, अपने भाई बंधुओं से, ठीक है, कभी जो दूसरे देश के या दूसरे राज्य के जो है राजा उनसे भी डर होता था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो हमारी हत्या न करवा दे, तो वो बहुत ज्यादा डर भी रहता था उनको, अपने डर के लिए वो अपनी वो सुरक्षा भी भरपूर किया करते थे। तो हथियारबंद जो है लोग उनके साथ रहा करते थे और जो उनका खाना होता था, खाना भी जो है वो सबसे पहले नहीं खाते थे, खाने को पहले चखा जाता था उसके बाद राजा तक पहुंचता था, और जो उनके सोने के कमरे होते थे शयन कक्ष उसमें भी लगातार वो एक ही जगह नहीं सोते थे, वो जगह बदलते रहते थे ताकि कोई अगर उनकी जासूसी कर रहा हो तो उसको पता हो कि राजा इस कमरे में शयन करते हैं, तो वहां पर आकर के वो कुछ उनके साथ जो है इस तरह से मान लो मारने की योजना बनाए कुछ करे, तो इसलिए वो एक ही कमरे में ज्यादा दिन नहीं सोते थे, ये बदल लेते थे, शयन कक्ष भी उनके जो है बदल जाते थे, और खाना भी इनका पहले चखा जाता था उसके बाद में दूसरे जो है लोग खाके फिर राजा के पास जो है वो पहुंचता था।
जिसने अपने ये इसमें पाटलिपुत्र जो राजधानी थी जिसको अभी अपन पटना कहते हैं उसका भी वर्णन किया है कि एक बहुत विशाल खूबसूरत नगर, ठीक है, जिसमें विशाल प्राचीर मतलब ऊंची ऊंची जो है उसकी दीवारें हैं, किले हैं, और इसमें जो है 570 तो बुर्ज है बीच बीच में ऐसी ऊंची ऊंची जगह होती है, और 64 के करीब जो इसमें द्वार है या सीता इस नगर में जो घर है वो दो दो तीन तीन मंजिल के घर है। घर भी जो है लकड़ी के भी बने हुए हैं, ईंटों के बने हुए हैं। राजा या सम्राट का जो महल है वो भी जो है लकड़ी का बना हुआ है। इसके अलावा पत्थर की बहुत सारी इसमें नक्काशी भी की गई, मतलब इस तरह से उसने पूरा वर्णन यहाँ पर जो है वो किया। और राजा की जो नगरी है वो खूबसूरत उद्यानों से भरी हुई है, उद्यान में चिड़ियों के रेन बसेरे भी हैं, ऐसे इन्होंने ये पूरी वर्णन इसमें किया है। इसी चैप्टर में कलिंग युद्ध का वर्णन भी हुआ है कि किस तरह से राजा ने अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में फिर युद्ध से जो है उसने भविष्य में कह दिया था कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध का त्याग करता हूँ, मैं कभी जो है ऐसा नरसंहार अब नहीं करूंगा। तो इस तरह से उसने कलिंग युद्ध का वर्णन भी किया है और अपने शिलालेखों के जरिए उस युद्ध का जो भी है या संदेश दिया है जनता को कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो प्रजा के लिए उसने संदेश भी दिया है। उस संदेश में उसने कहा है कि भाई मैंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये जो कलिंग युद्ध लड़ा था और कलिंग युद्ध में मैंने जितना नरसंहार देखा और मैंने देखा कि लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं, अपने सगे संबंधियों को खो देते हैं, तो बहुत उनको दुख भी होता है। मुझे भी इस बात का पश्चाताप हो रहा है, कितने लाखों लोग जो है मारे गए, बंदी बनाए गए, इतनी संपत्ति का नुकसान भी हुआ, तो ये लोगों को जो है वो युद्ध नहीं करना चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि आगे भविष्य में मेरे जो परिवार के लोग हैं वो भी जो युद्ध करें, इसलिए मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि अब युद्ध का त्याग करके और लोगों को जो है धर्म का कार्य करना चाहिए। तो उसने प्रजा के लिए संदेश दिया कि उसने कहा कि लोग अनुष्ठान कराते हैं पूजा पाठ, पैदा होने पर, किसी के मरने पर भी, किसी के जन्मदिन में, किसी की कोई यात्रा होती है तो अनुष्ठान करते हैं। वो कहते हैं अनुष्ठान के अलावा लोग कुछ दूसरी रीतियां भी अपना लीजिए। तो दूसरी रीतियां क्या है? तो दूसरी रीतियों में उसने कहा कि भाई धर्म कर्म के काम करो, ऐसे काम करो जो व्यवहार में अच्छे लगते हो, धार्मिक यात्राएं करो, ठीक है, धर्म से संबंधित कार्य करो, ये उसने वहां पर लोगों को जो है बताया था। और लोगों को अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, साधु संतों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, ब्राह्मणों को ध्यान देना चाहिए, बड़ों का आज्ञा पालन करना चाहिए, ठीक है, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सबसे आदर भाव से बोलना चाहिए, सब समान है, अपने धर्म की प्रशंसा ना करें केवल, कि कई लोगों को होता है ना कि अपने धर्म की प्रशंसा दूसरों की निंदा, जो दूसरों की निंदा करता है वो भी अपना सबसे बड़ा नुकसान करता है, तो सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। इस तरह के उसने बहुत सारे संदेश अपने प्रजा को दिए, इसके माध्यम से जो जगह जगह उसने अपने शिलालेख खुदवाए थे। फिर इतना सब इसने जो है इसके लिए और लोगों को एक अच्छा संकेत दिया, अच्छा संदेश दिया कि हमें जो है इस तरह से जो धर्म यात्राएं करनी चाहिए। इसके लिए उसने कहा कि जिस तरह से एक राजा का एक कर्तव्य होता है तो मेरा भी एक कर्तव्य है कि मैं प्रजा के साथ अपने पुत्र के जैसे व्यवहार करूं, जैसे कि हम एक परिवार में अपने संतानों को शिक्षा देते हैं वैसे ही हमें जो है अपनी प्रजा को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए इसने जो नैतिक आदर्श बताए थे उसको उसका धर्म कहा गया, और धर्म की बहुत सारी शर्तें भी थी, और इनके लिए इसने जगह जगह पर देखा कि कुछ समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं के ध्यान के लिए उसने धर्म महामात्र की नियुक्तियां भी की जो घर घर जाकर के लोगों को धर्म की शिक्षा दिया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर वर्णन है। तो एक बच्चे अगले बुक में बॉक्स में वर्णन है चीन के व्यवहार का, जो मौर्य साम्राज्य से भी पहले जो है 2400 साल पहले जो है वो बनाई गई थी, और इसका चीन में निर्माण कराया था यहाँ के सम्राट ने। इसका कारण ये था कि उत्तरी सीमा से जो भी लोग आ जाते हैं उनको सीमा पार करने से रोकने के लिए, आक्रमण को रोकने के लिए इसने एक बहुत लंबी जो है सड़क बनाई, ऊंची दीवार बनाई जिसमें बहुत चौड़ी सड़क भी जाती है जो ईंट और पत्थरों से बनी है, और उद्देश्य था उत्तरी सीमा से आने वाले पशुपालकों से रक्षा करना। और 2000 वर्ष पूर्व तक इसका जो निर्माण कार्य चला, और ये तकरीबन 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसमें दोनों तरफ ऊंची ऊंची जो है दीवारें बनी हुई है, पत्थर और ईंट से बनी हुई है, और कहते हैं कि इसको 1000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको बनाया था। इसको बनाने में भी जो है निर्माण में बहुत सारे वर्ष लग गए थे, और जो दीवार बनी है उसमें बीच बीच में 100-200 मीटर के बीच बीच में
जगह जगह पर बुर्ज बनाए गए, मतलब ऊंचे ऊंचे बनाए गए स्थान जहां से निगरानी की जा सकती, उस दीवार की भी निगरानी, उस रास्ते की भी निगरानी, और आक्रमण करने वाले अगर कोई है तो उनकी भी निगरानी की जा सकती। तो ये लगभग मौर्य साम्राज्य के आसपास ही इसका भी निर्माण जो है वो शुरू हो गया था। तो ये यहाँ पर हमने अभी वर्णन लिखा, ठीक है, इस चैप्टर का, इतिहास के लेसन 7 का, जिसमें था सम्राट अशोक एक अनोखा सम्राट। तो ये आप लगभग आप पढ़ चुके हैं। अब अगला जो चैप्टर अपन लेंगे बच्चों, वो खुशहाल गांव, समृद्ध नगर जो है उसके बारे में हो।